29 अप्रैल 2019 नूं इंडियन आर्मी दे वलों ट्विटर दे उत्ते एक पोस्ट पाया गया, जिस पोस्ट दे विच दावा कीता गया कि उन्हां नूं हिममानव दे पैरां दे निशान मिले हन। जो पोस्ट कीता गया उस दे विच लिखिया गया सी कि पहली बार एक भारतीय माउंटेनरी एक्सपेंडिशन टीम नूं 9 अप्रैल 2019 नूं मकालू बेस दे करीब हिममानव, जिस नूं जती वी कहिंदे हन, उस दे पैरां दे रहस्यमय निशान मिले। यह हिममानव पूर्व दे विच मकालू ब्रून नैशनल पार्क दे विच देखिया गया है, जो कि नेपाल दे विच स्थित है। यह पैरां दे निशान आकार दे विच 32 इंच लंबे ते 15 इंच चौड़े सन। इस गल तो यह साफ हो जाता है कि यह निशान किसी इंसान जां फिर जानवर दे नहीं हो सकते। मकालू ब्रून बेस जिस दे उत्ते यह निशान देखे गए हैं, उत्थे पहला भी कई बार हिममानव नूं देखिया गया सी। इंडियन आर्मी ने पैरां दे निशानां दीआं फोटोग्राफ्स यह सोच के इंटरनैट ते पाईआं सी कि लोगों के रहस्यमय चीज़ बारे उत्सुकता वधे ते सरकार इस गल नूं गंभीर रूप दे नाल जांच पड़ताल करे, पर लोगों ने फिर उही कुछ किया जो लोग पहला तो करते आ रहे हैं। तस्वीरां सामने आने तो बाद ही लोगों ने इंटरनैट के उत्ते इन्हां तस्वीरां का तरह तरह के नाल मजाक बनाना शुरू कर दिता। कई लोगों ने इसका एक पैर वाला लंघना हिममानव कह के मजाक बनाया, तो कई लोगों ने कमेंट करके ये भी कहा कि मोदी नूं वोटां पाउण वास्ते ये हिममानव बाहर आया है, तो किसी ने भी इसनों सीरीयस नहीं लिया, तो यह मुद्दा सिर्फ मजाक बन के रह गया। एक सवाल जो सब तो वध पूछा गया कि तस्वीर दे विच सिर्फ एक पैर दे निशान हन जो कि सीधे क्रम दे विच अगे वधदे जा रहे सी, पर इंज पहली बार नहीं सी, इस तो पहला भी कई बार ये पैरां दे निशान मिल चुके हैं। हिमालय के कई हिस्सों दे विच ये पैरां दे निशान ते हिममानव नूं देखण दे दावे हो चुके हैं। एक गल जो शायद बहुते लोगों नूं नहीं पता होनी कि जती जां फिर हिममानव कौन है, कि यह कोई जानवर है जां फिर कोई इंसान। जती, जिसनों हिममानव के नाम के नाल भी जाणिया जाता है, एक दैत्यकाल प्राणी है जो भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत के बर्फीले इलाकों के पाया जाता है। लोगों का मनना यह है कि एक उच्चे लंबे इंसान के वर्गा दिसदा है, तो इसका सारा शरीर संघने वालों के नाल ढकिया हुंदा है, तो इंसान की तरह ही दो पैरों के उत्ते चलता है। नेपाली काव्य कहानियों के जती नूं 40,000 साल पुराना जीव दस्या गया है, जो कि रात के समय ही हनेरे दे विच बाहर आउंदा है। यह जीव बहुत ही गुस्से वाला मन्या जाता है। समय समय से कई स्थानक लोकां पर्वतारोहियों द्वारा इसनों देखण दे किस्से बाहर आए हैं। सन 1832 दे विच जेम्स पैरिसन ते उन्हां दे एक गाइड ने उत्तरी नेपाल दे कोल इसे तरह के ही एक रहस्यमय प्राणी नूं देखिया, जो कि इंसान की तरह ही दो पैरों के उत्ते चल रहा सी, ते उसका सारा शरीर काले बालों के नाल भरिया होया सी। यह पहली बार सी जदों स्थानक लोगों तो इलावा किसी बाहरी इंसान ने जती नूं देखण दा दावा कीता सी। इस तो बाद 1950 दे करीब पछमी लोगों की रुचि जती दे विच वधण लगी। 1950 दे विच ही हिममानव नूं लभण दे लई एक अभियान चलाया गया, जिसदा मोरी एरिक शिप्टन सी। एरिक शिप्टन नूं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़द्या 20,000 फुट की उचाई के उत्ते एक खोपड़ी ते कुछ पैरों के निशान मिले सी, जो कि आकार दे विच काफ़ी वड्डे सन। पहला इन्हां पैरों के निशानों दीआं तस्वीरां लईआं गईआं, ते फिर इन्हां तस्वीरां दे उत्ते काफ़ी चिर बहस चली। कई लोगों ने इसनों किसी जानवर के पैरों के निशान दसिया, तो कई लोगों नूं हिममानव होने के उत्ते यकीन सी। 1965 दे विच आई एक किताब लोंग वॉक दे राइटर सलाबियो मीर ने लिखिया है कि जदों 1940 दे विच हिमालय दे कुछ हिस्सों नूं अपने साथियों दे नाल पार कर रहा सी, ते एक दो पैरां वाले प्राणी ने उन्हां दा रास्ता कई घंटियां तक रोकी रखिया, जो कि देखण दे विच एक इंसान दे वर्गा ही लगदा सी, ते बर्फ दे विच इधर उधर पैर घसीट के तुर रहा सी। 1970 दे विच ब्रिटिश पर्वतारोही डॉन विलियमसन ने पहाड़ चढ़द्या एक जानवर नूं देखण दा दावा कीता। विलियमसन ने दसिया कि जदों अपने टेंट लगाउण वास्ते एक जगह लभ रहा सी, तां उन्हां ने कुछ आवाज़ां सुनिया। जदों विलियमसन ने अपने शेरपा दे कोलों इन्हां आवाज़ां दे बारे पुछया, तां उसने दसिया कि इह आवाज़ां जती दीआं हन जो इन्हां पहाड़ां दे विच ही रहिंदा है। उसी रात विलियमसन ने अपने टेंट दे कोल एक काले प्राणी नूं देखिया जो कि बर्फ दे विच घूमी जा रहा सी, ते अगले दिन टेंट दे बाहर उन्हां ने पैरां दे निशान देखे जो कि देखण दे विच तां इंसान दे ही लग रहे सी, पर आकार दे विच काफ़ी वड्डे सन। विलियमसन ने दूरबीन दे नाल एक अजिहे प्राणी नूं देखिया जो कि कदी दो पैरां ते फिर कदी चार पैरां दे उत्ते चल रहा सी। दसंबर 2007 दे विच अमेरिकन रिपोर्टर जोशुआ केट्स नूं नेपाल एवरेस्ट दे खेतर दे विच पैरां दे निशान मिले जो कि जती दे पैरां दे वर्गे निशान ही सन। यह पैरां दे निशान 13 इंच लंबे ते 10 इंच चौड़े सन, ते फिर जदों एक्सपर्ट वल्लों इन्हां निशानां दी जांच कीती गई तां पता लग्गिया कि यह निशान पूरे सटीक हन ते कोई भी नकली जां फिर इंसान द्वारा नहीं बनाए गए। इसी तरह दे निशान भी भूटान दे कुछ इलाकियां दे विच पाए गए ते उस दे नाल ही वालां दे कुछ सैंपल भी मिले। जदों इन्हां वालां दी रिसर्च की गई तां पता लग्गिया
कि यह किसी अनजाण जीव के वाल हैं। तो जो इस DNA की जाँच की गई तो यह पता लग्या कि इसका DNA किसी भी जानवर के नाल मैच नहीं करता, ना ही किसी होर चीज़ के नाल मेल खाता है। इसका मतलब यह होया कि जत्ती एक ऐसा प्राणी है जो आज तक किसी के भी हाथ नहीं आया।